झूठे सिपाहियों ऐ हमारे भाइयों, हर जगह बिचारियों, हर कदम बढ़े चलो चले चलो चले चलो, हर कदम बढ़े चलो चले चलो चले चलो। जज़ाकअल्लाह बेग है अपना नास, जज़ाकअल्लाह बेग है, बेग है मेरी जान बेग है। खुदा की कसम, 12 दिन में खैरपुर से लेकर कराची तक सिंध की आवाम ने फैसला दे दिया है कि सिंध किसी सरमाएदार और जागीरदार का नहीं, सिंध मौलाना फजलुर रहमान का है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये सोच पे दाएं रोड पर दाएं के जो साथी हैं बैठो, और जो खड़े हैं इधर चले जाओ, खड़े से स्पीकर पर मत करो बेटा, स्पीकर पर चढ़ने की इजाजत नहीं, बैठ जाए। जलसे की कार्रवाई आगे चलाने के लिए मौलाना मोहम्मद तैयार साहब से दरखास्त करूंगा कि जलसे की कार्रवाई को आगे चलाए, बैठ के जाए, हिम्मत करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जलसा फ़लस्तीन के हक़ में जारी है, और नाज़रीन जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और नाज़रीन ये सबसे बड़ा जलसा जारी है फ़लस्तीन के हक़ में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा जो कि कराची में जारी है। नाज़रीन ये कराची में जलसा जारी है, और ये माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा कराची के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में जारी है, जो कि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा है उस वजह से। स्टेज पे मौजूद लगाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और मेरे सामने मौजूद अहलियाने कराची और जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के मेरे बेहतर जुर्मतन बहादुर और दिलेर साथियों, 22 अक्टूबर को जो मामला खैरपुर से चला था, आज जब वो मामला कराची के अंदर पहुंचा तो फिर मेरे कमेटी ने यह फैसला किया कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम है। मेरे दोस्तों, सिंध की जो सूरत हाल है, जिसम को तकसीम कर दिया जाए लेकिन सिर्फ की तकसीम का इख्तियार सिर्फ के आवाम। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم. باكستان کا سب سے بڑا جلسہ کراچی کے اندر ہو رہا ہے۔ جميع علماء الاسلام ہم چوکی کے امیر حضرت مولانا شاہ محمد صدیقی صاحب تشریف لائے اور اپنے خیالات اظہار فرمائے۔